ये भिंड है वीरों और सूरों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, स्वाभिमानियों की भूमि है। यहां का पानी ऐसा है कि देश की सीमाओं की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखता है तो भिंड के जवान उसको वहीं सीमा पार ठिकाने लगा देते हैं। इसलिए भिंड से भारत माता की जय ऐसी आनी चाहिए कि सीमा तक जाए। बोलिए भारत माता की, संत रविदास जी महाराज की, भिंड की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और सभी भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह जी, सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर अरविंद जी, नगरीय विकास और आवास मंत्री भाई ओपीएस भदौरिया जी, हमारी यशस्वी सांसद बहन श्रीमती संध्या राय जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान लाल सिंह आर्य जी, हमारे वरिष्ठ नेतागण आदरणीय केशव सिंह जी, अवधेश सिंह जी, इस क्षेत्र के हमारे विधायक आदरणीय भाई संजीव जी, बहन कामना जी, आदरणीय शैलेंद्र बरुआ जी, रणवीर जाटव जी, बहन वर्षा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, हमारे पूर्व विधायक पार्टी के नेता भाई नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, राकेश शुक्ला जी, मुन्ना सिंह भदौरिया जी, शिवशंकर समाधिया जी, आदरणीय रामलखन सिंह जी, अशोक अर्गल जी, हमारे पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, पूर्व सांसद, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और सभी बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज संत रविदास जी की जयंती है और संत रविदास जी अद्भुत संत थे। उनकी दो पंक्तियां जिनको देख के मोदी जी भी, केंद्र की सरकार का भी संकल्प है गरीब कल्याण और मध्य प्रदेश में भी हम उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। संत रविदास जी महाराज ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। मैं ऐसा राज्य चाहता हूं जहां छोटे और बड़े सब समान रहे, सब बराबर रहे और सबको भोजन और बुनियादी चीजों की जरूरत की कोई कमी ना रहे, ये संत रविदास जी महाराज ने कहा था। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है गरीब कल्याण, हमारा संकल्प उनके कल्याण के लिए, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की सरकार हो, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती। संत रविदास जी महाराज, जिनके एक ने अनेकों शिष्य हुए, जिनमें मीराबाई भी थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, एक नहीं ऐसे अनेकों भक्त राजा वो संत रविदास जी के शिष्य थे। प्रभुदी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जले दिन राती,
ऐसे संत रविदास जी महाराज के चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करता हूं और यही संकल्प लेते हैं कि गरीबों के और आम जनता के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी, यहां बैठी हुई ये टीम नहीं छोड़ेगी। और इसलिए आज सीएम जनसेवा जो अभियान चला था, अभी आपको बता रहे थे, सीएम जनसेवा अभियान में हमने तय किया पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी हितग्राही हैं 38 अलग अलग योजनाओं के, जिनके नाम छूट गए हैं, चाहे राशन हो, चाहे रसोई गैस कनेक्शन हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे आवास के लिए जमीन का मामला हो, 38 योजनाएं हमने तय किया कि जनता नहीं आएगी दफ्तर, गांव गांव हर पंचायत में शिविर लगेंगे, कर्मचारी अधिकारी जाएंगे, हमारे जनप्रतिनिधि जाएंगे, हमारे नेतागण जाएंगे और वहां जाके वो जितने बचे हुए हितग्राही है उनके आवेदन लेंगे और सबके नाम जोड़ने का काम करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूरे चंबल संभाग में, हमारे भिंड में, मुरैना में और श्योपुर में 3.5 लाख से ज्यादा नए नाम जुड़े हैं अलग अलग योजनाओं के, सीएम जनसेवा योजना के अंतर्गत उनके हाथ में स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। जो यहां ऐसे भाई बहन उपस्थित हों जिनको स्वीकृति पत्र मिले हैं, जरा एक बार हाथ में स्वीकृति पत्र लेके सबको दिखा दें कि स्वीकृति पत्र मिले हैं क्या। ये देखिए, ये कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, हमारे इस तरफ भी देखें और उस तरफ भी देखें। मीडिया वालों मुझे क्या दिखा रहा है, उधर भी दिखा दो ना, जरा जनता को भी दिखा भाई। ये स्वीकृति पत्र है सबके हाथों में, ये स्वीकृति पत्र नहीं है, ये इनकी जिंदगी बदलने का अभियान है, जिंदगी बदलने का। आज के बाद इनको इन सब योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और आज रविदास जयंती पर मैं फिर ये कह रहा हूं, मेरे बहनों भाइयों, चाहे भिंड जिला हो, चाहे मुरैना जिला हो, चाहे श्योपुर जिला हो, अगर कोई नाम छूट गया हो तो कंजूसी मत करना, अभी विकास यात्राओं में जाओ और जहां जरूरतमंद मिल जाए, अगर कोई राशन में छूट गया हो, कोई दिव्यांगजनों की योजना में छूट गया हो, कोई पेंशन में छूट गया हो, कोई भी, मैं तो कह रहा हूं आज भिंड में अपने नेतृत्व से भी कोई भी अनाथ बच्चा अगर हो भिंड की धरती पर, और भिंड नहीं केवल पूरे मध्य प्रदेश में, ऐसा बेटा बेटी जिसके माता पिता ना हो, कोविड में कहीं से बेटा बेटी थे जिनके माता पिता चले गए, हमने तय किया 5,000 रुपया बहिना उनके उन बच्चों को देंगे ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी चल सके तब तक जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। तो आपको कहीं दिव्यांग मिल जाए, अनाथ बच्चे मिल जाए, पेंशन की योजना में कोई रह जाओ, छूट जाओ वो मिल जाए, और कोई बिना राशन का मिल जाए, तो कोई कंजूसी मत करना, मामा के खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, सबके नाम जोड़े जाएंगे। और इसलिए विकास यात्राएं जारी, विकास यात्राएं केवल कर्मकांड नहीं है कि रथ लेके निकल गए, ये विकास यात्रा भी जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। और आज एक और जानकारी मैं देना चाहता हूं, विशेषकर अपनी बहनों को, जितनी बहनें आई है इस कार्यक्रम में जरा हाथ उठाएं, बहने बहने हाथ उठाओ साहब, अब इधर भी हैं और पीछे भी हैं, उस तरफ भी हैं। आज अपनी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, बहन परिवार की धुरी होती है, आजीविका मिशन की बहनें भी यहां बड़ी संख्या में बैठी हुई है, मेरी प्रिय बहनों मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी भी जिंदगी बदलना है। कई योजना बनी, अभी लाडली लक्ष्मी बेटी आई थी, वो लाडली लक्ष्मी बेटी आपको बता रही थी कि कैसे उसकी जिंदगी बदली। लाडली लक्ष्मी बेटी मतलब पढ़ाई की पूरी व्यवस्था, 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000,
और कॉलेज में जाए तो फिर 12,500, डिग्री लेके आए तो फिर 12,500। और सुनना ध्यान से, अगर मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी आईआईएम में इनका एडमिशन होगा तो चाहे सरकारी में हो और चाहे प्राइवेट में हो, प्राइवेट की फीस रहती है 8 लाख रुपया साल, 10 लाख रुपया साल। मुझे बताओ बहनों और भाइयों, गरीब दे सकता है क्या? अरे बोल के बताओ, दे सकता है क्या? किसान दे सकता है क्या? तो सुन लें, उन बेटियों की भी फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। ये लाडली लक्ष्मी हो जाए, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, गांव की बेटी योजना, कन्या विवाह योजना। कमलनाथ, तुमने तो कन्या विवाह योजना भी बंद कर दी थी, कहा देंगे 51,000 और बाद में नहीं दिया ढेला। अब कन्या विवाह योजना फिर शुरू हो गई, लेकिन आज मैं अपनी बहनों से कह रहा हूं, एक योजना और अब लागू होने वाली है, जिसकी रूपरेखा मैं बना रहा हूं, फैसला कर लिया है, और वो है लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, परिवार में अगर मुसीबत आती है, पैसा की जरूरत पड़ गई, कहां जाए? बेटा बेटी को दूध चाहिए तो दूध कहां से खरीदें? फल चाहिए, फल कहां से लाएं? सब्जी चाहिए, सब्जी कहां से लाएं? और कोई जरूरत की चीज चाहिए, कहां से लाएं? और इसलिए मेरी बहनों, सब बहनों मुझे ध्यान से सुन रही हो? सुन रही हो तो जोर से हाँ बोलो, सब सुन रही हो? तो सुनो, अब इन सब खर्चों के लिए हर महीना 1,000 रुपया मेरी बहनों को दिया जाएगा, हर बहन को 1,000 रुपया। वो किसी जाति समाज की हो, वो सामान्य वर्ग की हो, वो पिछड़े वर्ग की हो, वो अनुसूचित जाति और जनजाति की हो, कोई भी बहन हो, हाँ जो बड़े परिवार है वो हम छोड़ देंगे। जैसे कोई इनकम टैक्स भरता है, कोई 5 एकड़ से बड़ा किसान है जिसके पास ज्यादा पैसा है, कोई और बड़ा आदमी है, उनको छोड़ के बाकी सब बहनों को 1,000 रुपया महीना प्रारंभ किया जाएगा। उसके लिए हम अभियान शुरू कर रहे हैं। 1,000 रुपया महीना मतलब एक साल में कितने हो गए? अरे जोर से बताओ, कितने हो गए? 12,000। और 5 साल में कितने हो गए? अरे 5 साल में कितने हो गए? 60,000। 12×5=60। तो एक बहन को एक साल में 12,000 और 5 साल में 60,000 रुपया मिलेंगे। तो बताओ मेरी बहनों, ये योजना अच्छी है कि नहीं? अच्छी है तो जरा जोर से ताली बजाओ। नहीं, ये लागू होनी चाहिए? अरे जोर से बताओ, होनी चाहिए? लेकिन 12,000 करोड़ रुपया साल में लगेंगे, लगभग 12,000 करोड़ रुपया साल, और 5 साल में 12×5=60,000 करोड़ रुपया ये केवल मध्य प्रदेश की बहनों के खाते में जाएगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि इससे बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। बदल जाएगी कि नहीं? अरे जोर से बताओ मेरी बहनों, बदल जाएगी। तो ये योजना 8 मार्च को महिला दिवस पर इसके फॉर्म भरवाना शुरू हो जाएंगे। और इसलिए मैं आप सबसे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, समाज सेवियों से कह रहा हूं, अभियान चलाओ रे भैया हो, बहनों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फॉर्म भरवाओ ताकि उनकी योजना स्वीकृत करके उनको लाभ देना प्रारंभ कर सकें। मेरी बहना, अगर इससे सब सहमत हो तो मेरे साथ भारत माता की जय बोलो। बोलो भारत माता की। अब बहनों के साथ भाई भी प्रसन्न नजर आ रहे हैं, लेकिन जाएगी बहनों के खाते में। अब ये
आप बहनों की मर्जी उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करे, गड़बड़ सड़बड़ कामों मत दे देना, नहीं पति दे बजा के दे दे बोए, वो जरा ध्यान रखना बच्चों के काम आए। देखो ये केवल योजना नहीं है, ये जिंदगी बदलने का अभियान है, जिंदगी बदलने का अभियान। कहां जाएगा गरीब बताइए आप, अचानक कोई काम आ गया कहां जाएगा? और इसलिए एक नहीं अनेकों योजना पहले बनी है। देखो मेरे बहनों और भाइयों, चाहे गरीब हो चाहे किसान हो, ये अभियान है। दिल्ली में आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, उनके नेतृत्व में हमारे प्रधानमंत्री जी के एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भिंड वालों, एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमको डराते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज पूरी दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व में भारत शान के साथ सीना तान के खड़ा है, आंख झुका के नहीं नजरें मिला के बात करता है भारत। हमें गर्व होता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण पूरी दुनिया भारत के पीछे आके खड़ी हो गई है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन चीन ने हिम्मत की थी डोकलाम में उसके सैनिक भेजने की, वो सोच रहा था कि ये पहले जैसा भारत होगा, लेकिन हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापिस चीन की सीमा में फेंक दिया। भारत अब किसी के सामने दबने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, और चल रहा है किसानों के कल्याण का अभियान, गरीबों के कल्याण का अभियान। गरीब बहनों और भाइयों, आम गरीब को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार के इंतजाम, राशन की व्यवस्था निःशुल्क। कभी कांग्रेस ने फ्री में राशन दिया था क्या? मैं पूछना चाहता हूं, इतने बरस तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, बताओ फ्री में कभी राशन दिया था कांग्रेस ने? जोर से बोल के बताओ, दिया था क्या? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो फ्री में राशन। एक योजना और जिसका जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूं, वो है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। मेरे बहनों और भाइयों, हमने यह तय किया है कि अगर किसी के पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक घर में कई लोग कई परिवार रह रहे हैं, दादाजी के चार बेटे हो गए, उनकी चार बहुएं आ गई, उनके चार चार हो गए, तो घर में बने ही नहीं रहे, तो बताओ ऐसे लोगों को रहने की जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, जिसमें ऐसा परिवार जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उसको रहने की जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा। यह अभियान शुरू हो गया है, टीकमगढ़ में, सिंगरौली में मैंने पट्टे बांटे हैं, और यहां भी मैं जिला प्रशासन को कह रहा हूं, आवेदन अगर आए हो तो फटाफट छाटो, बताओ। हर एक के पास भगवान ने इतना अधिकार तो दिया है कि रहने की जमीन का टुकड़ा उसका अपना हो, और इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपया पिछले साल हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया था ताकि गरीबों के घर बन सके। और बेटा बेटी की पढ़ाई, मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूं, अभी मैंने बेटियों की बात की थी, लेकिन मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में सारे बच्चे शामिल है, मेरे बेटा बेटियों सारे बच्चे जिनकी आय 8 लाख रुपया साल से कम है, अगर वो अच्छे नंबर लाते हैं और उनकी बुद्धि के कारण उनकी मेहनत के कारण अगर उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में होता है तो वो फीस भी और कोई नहीं भरवाएगा, मम्मी पापा नहीं मामा ही भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि कोई गरीब बच्चा विवश ना हो ये कहने के लिए कि काश मेरे माता पिता के पास पैसे होते। मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना उनकी जिंदगी के लिए वरदान बन गई है। अभी एक बेटी ने बताया लगभग 2,37,000 बच्चों की अभी 900 करोड़ रुपया फीस भरवा रहे हैं। इलाज की बात हुई, अभी 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी अस्पताल में भी और सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा, उसके लिए आयुष्मान भारत योजना। और मेरे बेटा बेटियों, रोजगार के लिए मैं तुमसे कह रहा हूं,
114,000 नौकरियों पे भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 114,000 जहां जरूरत होगी हम और भी नौकरी देने का काम करेंगे। एक तरफ सरकारी नौकरियों में भर्ती जारी है और मैं अभी कल भी मैंने नियुक्ति पत्र दिए 4,600 लोगों को, वो लगातार जारी है। सरकारी नौकरियों में भी ये भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी और इसके साथ साथ स्वरोजगार की योजना है। संत रविदास जी के नाम पे ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है भोपाल में, जहां बच्चों को स्किल्ड करने का काम कर रहे हैं। अनेकों स्वरोजगार की योजनाएं हैं जिनमें बैंक 1,00,000 से लेकर 50,00,000 रुपए तक का लोन देता है और उस लोन को भी वापस करने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेती है, कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। तो स्वरोजगार की योजना है, सास की नौकरी की योजना है और पढ़ाई के मामले में भिंड के नौजवानों एक और बड़ा काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एक और बड़ा काम। कई बार ये होता था कि अंग्रेजी के कारण हमारे बच्चे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते थे, अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी जारी रखी। मेडिकल की पढ़ाई काय में होगी, अंग्रेजी में होगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई काय में होगी, अंग्रेजी में होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे गांव के बच्चे अंग्रेजी जानते हैं क्या? जोर से बताओ, जानते हैं क्या? नहीं जानते। नहीं जानते तो अंग्रेजी मार देती है। अंग्रेजी का मतलब बुद्धि थोड़ी है, अंग्रेजी का मतलब बुद्धि और ज्ञान नहीं है, केवल भाषा है अंग्रेजी। और इसलिए अंग्रेजी के कारण कई बच्चे पिछड़ जाते थे। मेडिकल में एक बच्चे का एडमिशन हुआ, पढ़ाई छोड़ के दूसरे साल भगे आया। मैंने कहा क्यों भगे आया? बोले मामा भा तो अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, अंग्रेजी की गिटर पिटर समझ में ही नहीं आती है, इसलिए हमने छोड़ दी। तो सुनो भिंड वालों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ हिंदी में होना चाहिए कि नहीं? क्यों हिंदी में अगर होगी तो धन्नु पन्ना कल्लू लल्ला, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। ये षड्यंत्र था, षड्यंत्र कांग्रेस का, कि कुछ लोगों के बेटा बेटी बड़े पदों पर पहुंच पाए, गरीब हो, किसान हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, उनके बच्चे आगे ना बढ़ पाए। अब ऐसे बच्चों के रास्ते में ये बाधा भी किसी भी हालत में नहीं रहेगी। ऐसे एक नहीं, अनेकों काम। अभी किसान की बात हो रही थी, आप सिंचाई की व्यवस्था की बात कर रहे थे, कनेरा जैसी योजना लटकी हुई थी उसमें पर्यावरण की स्वीकृति के लिए, वो अब क्लियर हो गई है। और आप जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पूरे प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था 7,50,000 से बढ़ा के 45,00,000 हेक्टर की है। और आज मैं फिर भिंड जिले को आश्वस्त कर रहा हूं कि जितनी सिंचाई की योजनाएं बनाई जा सकती है बना के हम किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वो अभियान हमारा निरंतर जारी है, किसान को 0% ब्याज पे कर्जा। ये अरविंद भदौरिया सहकारिता मंत्री बैठे, अभी हमने तय किया है, कांग्रेस ने झूठा वादा किया कि हम कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ तो हुआ नहीं, किसान डिफॉल्टर और हो गया, कर्जा चढ़ गया, 0% ब्याज पे कर्जा नहीं मिल रहा। तो सुनो भिंड वालों, जो ब्याज की गठरी आपके सिर पे कांग्रेस की सरकार ने लादी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मामा वो ब्याज सरकार की तरफ से भरा के डिफॉल्टरों को डिफॉल्टर मुक्त करेगा, ताकि उनकी कठिनाई और परेशानी दूर हो जाए। ये किसानों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है। पिछले 2.5 साल में 2,25,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में अलग अलग योजनाओं के गए हैं। ये कांग्रेस ने नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं। तो किसान भी आगे बढ़े, विकास के काम सारे होते जाए। अभी हमने बेटी की पूजा से अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया। मैंने प्रारंभ में कहा कि बेटियां हमारे लिए देवियां हैं, और ये मध्य प्रदेश है, यहां हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया की तरफ अगर किसी ने गलत नजर से देखा
कुदृष्टि डाली, दुराचार किया, तो केवल जेल में नहीं जाएगा, सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। सजाए मौत, फांसी की सजा होगी। 42 लोगों को फांसी की सजा हो गई है। और केवल इतने ही नहीं, ऐसे दुराचारियों के घर पे मामा का बुलडोजर भी चलता है। बुलडोजर बताओ चलना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं, जोर से बताओ चलना चाहिए कि नहीं? अपराधियों को नेस्त नाबूद करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। आज रविदास जयंती के दिन विकास यात्राएं प्रारंभ हो रही है। मेरे बहनों और भाइयों, ये विकास यात्रा ऐसे ही नहीं जाएगी। ये विकास यात्रा में लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे, विकास के कामों के, क्योंकि एक जगह तो हो गए, लेकिन ये पत्थर उन गांव में जाके लगाना है, ताकि गांव की जनता को पता चले हमारे गांव में कितने विकास के काम हो रहे हैं। पैसा भी सीधा सीधा किस योजना में कितना आया, उसके बोर्ड लगेंगे। तो एक तो लोकार्पण और शिलान्यास, दूसरे हितग्राहियों को लाभ प्रदान करना। ये जिनको अभी स्वीकृति पत्र मिले हैं उनको योजनाओं का लाभ देना। तीसरे, अगर कोई छूट गए हो तो उनके नाम लिख के हमें पहुंचाना, ताकि जांच करके अगर कोई पात्र रह गया हो तो उनके नाम भी हम शामिल कर सकें। चौथे, गांव में अगर एक दो जरूरी विकास के काम हैं तो उन सारे कामों को लिख के लाना, ताकि उनमें से कुछ स्वीकृत किए जा सके। और इसके साथ संवाद लोगों से, हितग्राहियों से चर्चा, उनसे बातचीत कि योजनाओं का लाभ ठीक ढंग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कहीं स्कूल में जाना, छात्रावास में जाना, आंगनवाड़ी में जाना, वहां की स्थिति देखना। तो यह विकास यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है पूरे प्रदेश में, ये चलेगी 25 तारीख तक। और यह विकास यात्रा जनता की जिंदगी को बदलने की पूरी कोशिश करेगी, ताकि कोई ना छूटे, कोई शेष ना रहे, सारे पात्रों को योजनाओं का लाभ मिल जाए। इसलिए विकास की यात्रा शुरू होगी। ये विकास यात्रा के लिए नहीं, ये जन कल्याण की योजना भी है, ये गरीबों के कल्याण की योजना भी है। और इसलिए इन विकास यात्राओं में आप भी जगह जगह सम्मिलित होइए। आज जब मैं यहां आया तो कुछ मांगे, वैसे अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग है, तो मैंने कहा कुछ जगह तो हम जाके ही करेंगे। अब टूटे हुए पुल इंदरखी वगैरह, जहां पुल टूटे वो पुल भी बन रहे, तहसील बनाने की जो घोषणा हुई, अब हमारे इनमें पैसे की जरूरत है, तहसील तो हो गई, वो भी किया जाएगा। अटेर में अरविंद जी कई तरह की चीजें बता रहे, तो हमने कहा अटेर में कुछ करना तो वहीं चलो महाराज, भिंड भाई काय को निपटा रहे हो, भाई का भाई उसकी घोषणाएं करेंगे। तो हमारा चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, मेहगांव हो, गोहद हो, अटेर हो, भिंड हो, मैं और चाहे लाहौर हो, विकास में हम कभी नहीं रहने देंगे। हर जगह के काम अनाउंस करेंगे, लेकिन एक काम बड़ा है जो सबने मांगा। कौन सा? जोर से बोलो ना, ऐसे नहीं, और जोर से बोलो। तो सबको चाहिए, तो एक बार जनता हाथ उठा दे के चाहिए, बोलो भारत माता की। तो जनता की अदालत है ये, जनता की अदालत में लाल सिंह की जनता मांग रही है, और संत रविदास जी की जयंती है, तो ये तो भगवान की भक्ति हो गई, जनता की सेवा का यज्ञ है। और से भिंड में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया जाएगा। वैसे भी भिंड भिंड है भाई, थोड़ी देर हो गई, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनता है तो केवल मेडिकल कॉलेज नहीं बनता, उसके साथ अस्पताल में इलाज की व्यवस्था होती है, बिस्तर बढ़ते हैं, कई तरह के इक्विपमेंट आते हैं, तो केवल पढ़ाई के लिए नहीं है, मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए भिंड वालों, आप तो शान हो मध्य प्रदेश की, भारत माताओं की सीमाओं की रक्षा करने वाले। भिंड वासियों, दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के मैं आपको प्रणाम करता हूं, इसी वचन के साथ कि विकास की दौड़ में भिंड कभी पीछे नहीं रहेगा, भिंड जिला पीछे नहीं रहेगा। यहाँ मेडिकल कॉलेज भी होगा,
यहां नगर निगम भी बनाया जाएगा। क्योंकि पात्रता है, ये मत कीजिए, ये पात्रता है भिंड की आबादी के अनुपात में, आबादी के अनुपात में यहां ये व्यवस्था होनी ही चाहिए। और बाकी मैं अपने नेतृत्व से कहता हूं कि जो जरूरी चीजें हैं वो जो आप देंगे अपने अपने स्थानों पर हम अनाउंस करेंगे, चाहे वो अटेर के सवाल हो, आपने मुझे कहा है, लेकिन अटेर में ही मजा आएगा। जो प्रमुख चीजें हैं वो आप बताइए। देखो रे भैया बहनों, विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए कमलनाथ जी से जब मांगते थे तो वो कहते थे मैं क्या करूं, पैसे ही नहीं है मामा, सब लूट ले गया। वो कहते थे पैसा नहीं है, मैं कहता हूं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हम ये विकास के काम करेंगे। आप कल्पना करके देखो, एक तरफ फ्री राशन, मकान बनाने का काम, बच्चों की फीस, ये फीस भरवाना कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, बेटियों की शादी भी धूमधाम से होगी, धूमधाम से। और इसलिए मैं कह रहा हूं हर विलाग में बेटियों की शादी का महायज्ञ प्रारंभ करो, मेरी कोई गरीब बिटिया बिना विवाह के, इस कारण धूमधाम से शादी होनी चाहिए। 56,000 रुपया बेटी की शादी में खर्चा करेंगे, एक शादी में 56,000। और इसलिए कहां कौन सी तारीख में होनी तय कीजिए। और केवल इतना ही नहीं, बेटी तो छोड़ो, कमलनाथ ने तो बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा, तीर्थ दर्शन यात्रा ही बंद कर दी। अब सुनो मेरे बुजुर्गों, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा फिर शुरू, और जो शुरू हो रही है वो रेल से तो होगी, लेकिन अब इस बार तो हवाई जहाज से यात्रा करवाने ले जाऊंगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं हवाई जहाज से? अरे हवाई जहाज को बड़े बड़े आदमियों का है क्या? एक बार मेरे बुजुर्गों को भी हवाई जहाज में बैठ जान दो यार। और ये मजाक के लिए नहीं कर रहा, मार्च के महीने से हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा शुरू होगी, मेरे बुजुर्ग जाएंगे, तीर्थ दर्शन करेंगे और वापस लौट के आएंगे। कई बुजुर्गों ने कहा कि बेटा रोटी मोटी राशन मासन तो ठीक है रे शिवराज, मरने के पहले तीर्थ दर्शन करवा दे। तो ये तीर्थ दर्शन का अभियान भी हमारा जारी रहेगा, और संत रविदास जी के जन्म स्थान पर भी तीर्थ यात्रा जाएगी। ये लाल सिंह जी, अशोक जी, आप सब बैठे, वहां भी तीर्थ यात्रा जाएगी, संत रविदास जी के जन्म स्थान वहां भी तीर्थ यात्रा लेके जाएंगे। प्रमुख सारे तीर्थ स्थान हमने कवर करने का काम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, चारों दिशाओं में काम हो रहा है। आप बताओ ऐसे काम कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? जोर से बताओ, किए थे क्या? तो आइए फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, बीजेपी के साथ आइए, विकास यात्रा के साथ आइए, जन कल्याण के कामों के साथ आइए, और भिंड जिले को भी विकास की दौड़ में पीछे मत रहने दीजिए, मामा का साथ दीजिए, हमारे साथ चलिए। बोलिए सब तैयार हैं? जोर से बताओ सब तैयार हैं? तो एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सब, और संकल्प लें अपने अपने स्थान पर खड़े होके कि हम विकास के साथ चलेंगे, जनता की भलाई के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे। और यह संकल्प लेने के लिए